नवगठित नगर पंचायत छपारा के वार्डो का आरक्षण की प्रक्रिया छपारा के जनपद के सभा कक्ष में SDM लखनादौन राजस्व अधिकारी सिद्धार्थ जैन द्वारा संपन्न कराई गई। छपारा को नगर परिषद बनाने के लिए ग्राम पंचायत छपारा कला और तिंशा ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। नवगठित नगर परिषद छपारा में 15 वार्ड गठित किए गए हैं। वार्डो के आरक्षण में महिलाओं के लिए 8 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। आपको बता दें कि नवगठित नगर परिषद के 15 वार्डों में से 6 वार्ड अनारक्षित हैं और 4 पिछड़ा वर्ग, 3 अनुसूचित जनजाति और 2 अनुसूचित जाति गठित किए गए हैं। यह सारी प्रक्रिया जनपद के सभा कक्ष में स्थानीय नागरिकों और अधिकारी गणों के बीच संपन्न कराई गई, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। आरक्षण प्रक्रिया के बाद अब वार्डों के पार्षद के चुनाव को लेकर स्थिति क्लियर हो चुकी है। वहीं अब अध्यक्ष पद महिला या पुरुष के लिए आरक्षित किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। किए जाएंगे जो कि नियुक्त की जाएगा। इसमें मैं बता दूं कि यहां प्रथम बार आरक्षण हो रहा है, इसलिए चक्रानुक्रम का उपयोग नहीं होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपरोक्त अनुसार आरक्षित वार्डों में से यथाशक्ति निकटतम रूप से 50% वार्ड यथास्थिति। आज दिनांक 24 नवंबर को लगभग 12:30 बजे से हमने नगर परिषद छपारा के वार्डों की रिजर्वेशन की जो एक आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू करी। इस प्रक्रिया की सूचना विधिवत रूप से समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई थी, जनमानस को भी इस बारे में बताया गया था, मुनादी भी कराई गई थी और उसके पश्चात काफ़ी लोग यहाँ पे नगर के उपस्थित हुए और सभी के सामने निष्पक्ष रूप से इस प्रक्रिया को सम्पन्न किया गया। इसमें कुल 15 वार्ड जो नगर परिषद छपारा में होने हैं उनमें रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया थी, आरक्षण की जो प्रक्रिया थी, विधि अनुसार पूर्ण की गई। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति के लिए 2 वार्ड आरक्षित किए गए थे, जो कि यहाँ पे जो जनसंख्या है उसके आधार पे पहले से आरक्षित कर दिए, वो रहे वार्ड नंबर 5 और 3, और उसमें महिला के लिए जो आरक्षित सीट है वो वार्ड नंबर 5 में है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 3 वार्ड आरक्षित थे। वार्ड उन वार्डों की संख्या और नाम है 1, 2 और 11, रानी दुर्गावती वार्ड, सुभाष वार्ड और रानी लक्ष्मीबाई वार्ड। इसमें महिला के लिए जो आरक्षित है, महिला सीट जो रहेगी वो वार्ड क्रमांक 1 और 2, यानी रानी दुर्गावती और सुभाष वार्ड में। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई, जो कि 25% है टोटल 15 वार्ड संख्याओं का। उन वार्डों का नंबर है वार्ड क्रमांक 8, 4, 10 और 13। इसी तरह इसमें से महिलाओं के लिए जो आरक्षित वार्ड हैं OBC में, वो उनका क्रम है नंबर 4 और 8। इसी तरह 6 वार्ड जनरल अनरिजर्व्ड अनारक्षित रूप से रहेंगे, वो हैं 6, 7, 9, 14 और 12। इसी तरह इसी में भी महिला के लिए जो आरक्षण हुआ है वो 6, 7 और 12 के लिए रहा है। ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से की गई, कम्प्लीटली वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और सभी लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई और आज ये प्रक्रिया संपूर्ण की गई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राकेश यादव की रिपोर्ट।